गायत्री के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम एक नया शो स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गपशप विद शायना। तो जी हाँ, क्लैपिंग होता है इसी बात पे। तो हमारे इस चैनल की सबसे पहली गेस्ट है, गेस्ट कीजिए, जिसने 5 महीने में इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया है, चीथड़ा उड़ा दिए हैं, लड़कों के भी उड़ाए, ओल्ड एज वालों के भी उड़ाए हैं। ऐसी इंडस्ट्री में धमाल मचाया है कि लोग इसके नाम मुंह से रटने लगे हैं गाइस। तो हाँ, स्वागत कीजिए आप हमारी रितु राय जी का। बहुत बहुत चैनल में स्वागत है, क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। तो रितु राय जी, आपका स्वागत है, वेलकम है। आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी? सो मच शायना, तूने फालतू में इतनी हाइप बना रखी है। थम्सनेस देख के लोगों को पता नहीं चला होगा कि कौन आ रहा है। ओहो गाइस, अब बातचीत कीजिए इनका। सबसे पहले स्वागत कीजिए फूलों के साथ, बहारों के साथ, काली घटाओं के साथ। तो रितु रॉय जी, आपका वेलकम है हमारे चैनल में। थैंक यू जी। तो रितु रॉय जी, हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि आपका कोई रियल नेम भी है या आपका नाम रितु रॉय ही है? नहीं, मेरा बचपन से रितु राय ही नाम है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका पेट नेम नहीं है क्या? अब अच्छा, इतना छोटा नाम है, इसमें कहाँ से पेट नेम लगाऊं मैं? रितु इज ऑलरेडी अ वेरी स्मॉल। अच्छा, रितु रॉय नहीं है, रितु राय है। ओके ओके, मेरे से मिसस्पेल हुआ, आई एम सो सॉरी। तो रितु राय जी, आपको इस इंडस्ट्री में आए हुए कितना टाइम हुआ है अभी? मुझे 8 महीने हुए हैं, जिसमें से मैंने 6 महीने काम किए हैं। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 8 months आई एम हियर इन दिस इंडस्ट्री। तो आपने कितनी बोल्ड वेब सीरीज कर ली होंगी अब तक? मैंने बोल्ड 35+ कर ली है। वेरी गुड, वेरी गुड। और नॉर्मल क्राइम सीरीज में अभी जस्ट स्टार्ट की हूं, तो मैंने 4-5 क्राइम सीरीज भी कर ली है। तो मतलब आपकी सेंचुरी मारने की तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, विद इन 1 ईयर आई एम प्लानिंग ऑफ दैट। तो गाइस, भड़कती हुई चीज आ रही है, देखते रहना। और अच्छा ठीक है, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आपने फर्स्ट बोल्ड वेब सीरीज करी थी, जो आपकी फर्स्ट बोल्ड वेब सीरीज रही थी, तो आप उसमें मतलब किस तरह से दी आपने, कि आप उसमें कंफर्टेबल थे, आपको किसी चीज के लिए रेडी होना पड़ा, कुछ खाना पड़ा? एक्चुअली नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पता ही नहीं था कि क्या करवाने वाले ना। तो वो शौक लगा ही नहीं था तब तक, जब तक अच्छा, मैंने पूरा सीन नहीं कर लिया। ओके ओके ओके। और सीन भी इतना इजीली कराया, इतना प्यार से कराया कि वो पता ही नहीं चला कि मैं कुछ बोल्ड कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब पता है सब कुछ फेक कर रहे हैं, कुछ रियल तो है नहीं। okay. तो फेक हम्पिंग कर रहे हैं, फेक सब कुछ कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चला, इट वाज जस्ट नॉर्मल। बट जब ऑन स्क्रीन मैंने देखा तो मुझे लगा कि अच्छा, मैंने ये किया था। आप डर गए होंगे कि ये क्या करा मैंने। आई वाज सो शॉक कि इतना प्यार से जो मैंने कर दिया वो इतना नॉर्मल स्क्रीन पे लग नहीं रहा है मुझे। अच्छा, तो डायरेक्टर ने आपको बिल्कुल कंफर्ट कर दिया था अपने साथ। अच्छा, फर्स्ट बोल्ड किसके साथ किया आपने? मतलब मैंने गौरव सिन्हा के साथ किया। अच्छा, वो जो गौरव जो फेमस है इंडस्ट्री में? नहीं, वो गौरव सिंह राजपूत है। अच्छा, वो दूसरे हैं। हाँ। आपने किसी और के साथ? मैंने गौरव सिन्हा के साथ। अच्छा, सिन्हा जी। तो सिन्हा जी, आप देख रहे हैं, आपकी क्लास ली जाएगी, आपने रितु रॉय के साथ पहले वेब सीन किया। चलो कोई बात नहीं, आपको जरूर टैग करें हम। क्या नाम है उनका? गौरव सिन्हा। गौरव सिन्हा जी। तो ठीक है, आपने फर्स्ट आपने बताया कि आपने इनके साथ सीन किया, आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल लड़के ने फील कराया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा ही नहीं कि मतलब मैं किसी बंदे के साथ फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वो भी इंटीमेट सीन के लिए। ही वाज लाइक वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। ओके ओके। एंड ऑल्सो अभी भी कितनी भी मेरी फ्रेंड्स है जो उसके साथ काम करती है, तो हर बार उसका अच्छा रिव्यू ही मिलता है, मतलब उसके लिए किसी ने कभी गलत नहीं बोला। चलो वेरी गुड, इस चीज में तो वेरी वेरी गुड। अच्छा दोस्त है वो, एक्चुअली अच्छा इंसान है, इसलिए मेरा दोस्त है। हाँ, अच्छे इंसान। वैसे ये बात आपने सही कही, अच्छे इंसानों को टाइम नहीं लगता दोस्ती करने में, राइट ना? हाँ, अच्छे इंसानों के अपने आप दोस्त बन जाते हैं, लाइक दैट। जस्ट मुझे, मेरी बहुत कम लड़कियां दोस्त हैं, बहुत कम, लेकिन लड़के बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दोस्त हैं, मेल बेस्ट फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम आपसे एक और पर्सनली सवाल करना चाहेंगे, तो जिसकी पब्लिक में सबसे ज्यादा डिमांड है, पब्लिक हमेशा पूछती है, नो डाउट कि वो मुझसे भी पूछती है, पर मैं क्या है पहले आपसे पूछ लेती हूँ। तो पब्लिक की डिमांड है कि आप अनकट कब कर रही है? पब्लिक को मैं हर बार एक ही चीज बोलती हूँ, अपने लाइफ पे ही बोलती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स भी मैं उनके लिए खुद करती हूँ कि देखो कभी भी आज मुझे बहुत ज्यादा ऑफर हो रहा है पैसे, बट मेरे को अगर 2 करोड़ 3 करोड़ भी पर डे का देके बोलेंगे ना कि अनकट कर लो, तो मैं शायद कभी नहीं करूंगी। तो मतलब आप किसी भी कीमत में? मैं नहीं करूंगी। 10 करोड़ भी नहीं? 10 करोड़ क्या, 10,000 करोड़ भी दे तो मैं। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अंदर से मुझे पता है मैं किस चीज के लिए क्लियर हूँ, मुझे मेरा गोल पता है मुझे क्या करना है, मुझे अनकट नहीं करना है कभी लाइफ में। अगर मेरे को शायद कल इंडस्ट्री में काम ना मिले, तो मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं शायद जाके ऑफिस में काम कर सकती हूँ, मैं वहां से अर्न कर सकती हूँ। अच्छा, इट्स जस्ट कि आई एम डूइंग, ये मेरा शौक है इसलिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज नॉट अ बिग डील फॉर मी। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं जी, तो आप बताएंगे कहाँ तक स्टडी किया आपने, कहाँ से क्या? मैंने नेस्वाड़िया कॉलेज से मैंने 11th 12th किया है पुणे में।
वेरी गुड, पुणे में। हाँ, पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम में। सिम्बायसिस से मैंने फाइनेंस में एमबीए किया है और मैं इन्फोसिस में 7 साल मैं एचआर में मैंने काम किया है। तो आई हैव डन वेरी गुड इन माय दैट करियर आल्सो। बट मैं एक चीज ये मानती हूँ कि अभी जैसी मैं हूँ, जिस एज में मैं हूँ, मैं चार्म कर सकती हूँ, मैं स्पार्क कर सकती हूँ, तो मैं इस टाइम को लूज नहीं करना चाहती हूँ। ओके ओके, जॉब तो मैं 40 साल की उम्र में बुढ़ी होने के बाद भी कर सकती हूँ, ये बात तो सही कही। लेकिन जो ये मेरा पर्सनालिटी है, आज मैं इसको फुल ऑन यूज करना चाहती हूँ, जहाँ मैं यूज कर रही हूँ। हम दबा के पैसा छापना चाहते हैं, आज यहाँ से पैसा छापूंगी, कल कॉर्पोरेट ऑफिस से भी छापूंगी। अच्छा, तो जो आपकी आपने बताया कि कॉलेज में आपने स्टडी की है, आपने एमबीए किया है, आपने जो भी ऑफिस में वर्क किया है, तो आपके क्लीग्स रहे होंगे वहाँ पे, राइट? हाँ, आपके दोस्त रहे होंगे कॉलेज में। तो आपके दोस्त अगर आप अब उनके कांटेक्ट में हैं, हाँ, मैं तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या थिंकिंग रखते हैं? मैं एक चीज बोलूंगी कि शायद ऐसा नहीं होता है, बट ऑल आर माय फ्रेंड्स आर सो प्राउड ऑन माय सेल्फ। ओके, सारे लोग मुझे बहुत प्राउड फील करते हैं बिकॉज उनको पता है एक्चुअल में ऋतु राय कौन है। ओके, वो मुझे बचपन से जानते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरा स्कूल से कॉलेज से दोस्त हैं, तो वो मेरा नेचर जानते हैं। उनको पता है कि मैं जो ऑन स्क्रीन दिखा रही हूँ वो फेक है, वो मैं रियल में नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे रियल ही करना होता ना, तो आजकल रियल मीट के पैसे के लिए सारे आते हैं कि 50,000 पर नाइट दे देंगे, 1,00,000 पर नाइट दे देंगे, 2,00,000 पर नाइट दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। बट हम इतनी गट्स रखते हैं कि हम ऑन स्क्रीन जाके अपना प्राउडली कमा रहे और खा रहे हैं, हम चार दीवारी के बीच में बैठ के किसी के साथ सो नहीं रहे हैं और वो पैसे उसपे क्या हम अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट मार लेते हैं। ठीक है, हम सो जाएंगे चार दीवारी में, हमें कौन नहीं देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, अपना मन नहीं मानता ना यार, भले हम ऑन स्क्रीन कर रहे हैं, हम इज्जत का कमा के खा रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि इज्जत का है, हमारे लिए इज्जत का, राइट? हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। सो फॉर अस इट्स लाइक वेरी नॉर्मल थिंग। ओके, तो जब आपने आपके जब ये बोल्ड वेब सीरीज रिलीज हुई होगी किसी ओटीटी पे या कुछ हुआ था, तो मतलब रिलीज हुई, सबने देखी होगी, जो आपके आसपास गांव वाले हैं, आपके पेरेंट्स ने, उनके क्या विचार रहे, उनकी क्या थिंकिंग रही? पेरेंट्स तो आई डोंट हैव मॉम डैड इन माय लाइफ। ओके, और गांव में, हाँ गांव में लोगों ने देखा, फिर उन्होंने मेरे भाई को कॉल करके बोला ये सब क्या कर रही है। बट यही था कि किसी को मुंह नहीं था बोलने के लिए क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। हाँ, अच्छा, ये मैंने जरूर देखा है कि उस टाइम तो हमारा कोई साथ नहीं देता। Exactly. उस टाइम किसी को कोई मतलब नहीं, हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। सॉरी, गाली दूंगी, पर मादर चोद ना, जब हम ये ऐसा वैसा काम कर, अरे तो ये क्या कर रही है, जब किसी को ये नहीं है, इतनी ही फिक्र रहती है आपको कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप तभी भी देखो ना, जब हम सैड होते हैं, जब हमारे पास कोई परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, कोई साथ नहीं देता है, और हम भटक रहे हैं रास्ते पे, मर गई अब कहाँ जाए, तो तब आप लोग कहाँ मर जाए। तो आप लोगों को पहली बात ये हक है ही नहीं कि आप हमसे पूछो कि हम क्या कर रहे हैं। आपका कोई सजेशन नहीं है इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, जब आप उस टाइम साथ नहीं देते तो इस टाइम भी आपका कोई हक नहीं है, आप होते कौन है। इसीलिए मैं कभी भी अपने फैमिली मेंबर से बात नहीं करती हूँ, वो लोग बहुत ट्राई करते हैं मेरे से बात करना। और हाँ, आजकल के कुछ लोग जो हमें हैं बोलते हैं कि आप ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं, इंडस्ट्री को बदनाम कर रही हैं, दुनिया को खराब कर रही हैं, तो तुम देखी क्यों रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? बात भी मैं तो एक चीज सिर्फ सिंपल सा बोलूंगी कि हम ये इस ओटीटी के लिए कर रहे हैं, इसलिए बी ग्रेड सी ग्रेड में आता है। यही अगर हम नेटफ्लिक्स के लिए करेंगे तो हम दीपिका पादुकोण कहलाएंगे शायद, राइट? हम शायद कटरीना कैफ कहलाएंगे, हम शायद उन्होंने जो जिन्होंने पूरा न्यूट किया राधिका, राइट हम शायद वो कहलाएंगे। बट हम इसके लिए हम तो न्यूट भी नहीं हो रहे, हम तो मेन पार्ट भी नहीं शो करते, हम तो कितना फेक करते हैं, हमें पता है हम कितना फेक करते हैं। अभी आप देखे ना, उसके बाद भी वी आर ब्लेम्ड फॉर दिस थिंग कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अभी आपने जो मूवी आई थी वो भी देखी होगी मेरे ख्याल से, क्या एनिमल? हाँ, एनिमल। तो आपने उसमें देखा दोनों लड़कियों को, एक में तो ब्रामे और एक लड़की ऐसे आई थी जो पुल न्यूड थी, तो मैं उनका नाम नहीं जानती। तो जब इसको आप अच्छे तरीके से देख रहे हो, इतनी बड़ी थिएटर में आ रही है ये, सब लोग देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, पैसा कमा रही है ये फिल्म, तो हम क्यों बुरे लग रहे हैं इनको? Exactly. हाँ, तो फिर इनको मतलब जज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हम भी एक्ट्रेस है यार, हम बी ग्रेड सी ग्रेड एक्ट्रेस नहीं है, हम भी वही कर, हम एक्ट कर रहे हैं जो कटरीना एक्ट कर रही है ना, हम भी वही एक्ट कर रहे हैं जो मिल रहा है उसमें कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर होते हैं, हमें जो जैसे सजेस्ट करते हैं, हमें जो बोलते हैं, वी डू दैट। अच्छा, तो एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूंगी, जो इंडस्ट्री में पुरानी भी हैं लड़कियां, नई भी आई हैं, तो कई लड़कियों ने ना अपनी सर्जरी कराई है बॉडी की, तो आपकी उस बारे में क्या राय है कि सर्जरी हमें करानी चाहिए इसके लिए, नहीं करानी चाहिए? जिन्होंने कराई है वो कैसे हैं, क्या है कुछ? देखो, मैं तो वैसे ज्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ जो सर्जरी कराए हैं, बट मेरा पर्सनली एक मानना है कि यार आप जितने नेचुरल, क्योंकि भगवान की जो देन होती है ना, आप जितना उसको सवार हो वो ज्यादा निखर के आ सकता है। आप आर्टिफिशियल चीज शायद वो आपको कल को सूट ना भी करे,
चार साल आपके शरीर को वो साथ दे, फिर पांचवें साल पता चले आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम होने लगी इन फ्यूचर, उससे अच्छा प्योर नेचुरल रहो ना, क्या दिक्कत है उसमें। खाना पीना अच्छा खाओ, चीजें अच्छी रखो। हाँ राइट। और वैसे ये नहीं है कि उनको ही, उनकी ही ज्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी लड़कियों के लिए, जो सोचती है ना बोल्ड में कि हमारे बूब्स ज्यादा नहीं है तो हमें उतना भाव नहीं मिलेगा। राइट राइट। नहीं यार, डजंट मैटर, आपका ऑन स्क्रीन फेस कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा एक्सप्रेशन देते हो, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है मोर देन कि आपके बूब्स कितने स्ट्रांग है। नहीं, योर परफॉर्मेंस मस्ट बी स्ट्रांग। आपकी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपका मैं बोला नहीं जाऊंगी आपका पिछवाड़ा अच्छा है या आपके बूब्स अच्छे हैं तो आपको अच्छा काम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए काम मिलता है आपका एक्ट अच्छा है। और ये नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में ये सब चलता है, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा हमें बहुत प्राउड फील होता है हमें काम करते हुए। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड से अच्छी, बॉलीवुड में एक जगह काम करने चले जाओ ना बिना सोई कोई काम नहीं देगा। राइट राइट। हमारे बोल्ड में बोल्ड लड़कियों की इतनी कमी है ना कि हमें यहाँ पे देवी जैसा पूजा जाता है। ऑन सेट हमारी जो इज्जत होती है ना, शायद वो बॉलीवुड को भी मिलता होगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट हमें तो भाई मिलता भी होगा। हाँ, बट हमें अच्छे से पैम्पर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी हमें नजर उठा के देख रहा है। आप लोग सोचते होंगे मोस्टली कि हाँ जहाँ पे ये सेट पे रहती हैं खूब दारू पीते होंगे, खूब सब कुछ होता है खुल्लम खुल्ला, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। हम ये आप इससे पर्सनली पूछ सकते हैं। हम बहुत हार्डवर्क करते हैं, हम 24 घंटे में से कभी कभी ऐसा होता है कि हम 18-18 घंटे शूट कर रहे हैं, 24-24 घंटे भी शूट करते हैं, कभी कभी 32 घंटे भी हो जाते हैं। हम आपके लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए हमारे मतलब आपके पीछे हम कितनी मेहनत करते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। और सिर्फ हम नहीं, हमारी पूरी टीम करती है, जो भी सेट होता है, हम जो भी जिस टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, 40-50 लोगों की मेहनत होती है हमारे पीछे। तो रितु रॉय जी, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, हमारी पब्लिक भी बहुत खुश होगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, शुक्रिया बहुत बहुत, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए।